पर्सनल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज भिन्न के बारे में पढ़ाऊंगा, भिन्न का जोर। सबसे पहला हम लोग यहाँ चैप्टर का नाम लिखते हैं भिन्न। चैप्टर का नाम है भिन्न। आज बच्चों को भिन्न के जोर के बारे में अवगत कराएंगे। भिन्न का जोर क्या होता है, भिन्न का जोर हम लोग कैसे हल करेंगे, सारी चीज़ों का समस्या का निदान हम आज बच्चों के सामने में करेंगे। सवाल नंबर एक, 3/4 + 4/10, ये सवाल है आपका। सवाल को ध्यान से देखिए, 3/4 और 4/10। पहले हम लोग जानेंगे कि अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं। भिन्न का जोर बनाने से पहले बच्चों को अंश हर से अवगत कराना होगा। 3/4 ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। यानी आज हम लोगों ने बच्चों को हर और अंश के बारे में जानकारी अवगत करा दिया है। अब भिन्न का जोर को हम लोग कैसे हल करेंगे बच्चों के सामने में मैं बता रहा हूँ। 3/4, 4/10, सबसे पहले हर का हमने एलसीएम करेंगे। मैं एलसीएम करके दिखाता हूँ बच्चों को। 2 × 4 = 10, वैसी संख्या से लेते हैं जो पूरी रूप से कट जाए। ये 2 से कट रहा है तो फिर ये नहीं कट रहा, ये 5 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा, इसका मतलब और नहीं चलेगा। 2 × 2 = 5, इसको गुना करने के बाद 4 आया, 4 × 5 = 20, यानी कि एलसीएम हो गया 20। अब क्या करेंगे, इसको हल करके हम बच्चों को दिखाएंगे। एलसीएम आया 20। देखिए इसको बनाने का एक तरीका जान लीजिए, इसको ये संख्या से ये संख्या को भाग करेंगे, यानी कि हर से एलसीएम को भाग करेंगे। भाग करके हम लोग देखते हैं, 4 × 5 = 20, यानी कि इसका जो भागफल आया, इसका जो भागफल आया इससे हम लोग गुणा करेंगे। 5 × 3 = 15 हो गया। अब क्या करेंगे, जोर है तो जोर बैठा दीजिए, इसको इससे फिर भाग करेंगे, यानी कि हम भाग करके दिखाई देते हैं, 10 × 20 का फिर भागफल आया 2। फिर भागफल से हम लोग अंश से गुणा कर देते हैं, 4 × 8। फिर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं, 15 × 8 कितना हो गया, 23 हो गया। नहीं होता है तो यहाँ करके देख लीजिए, 8 + 13 = 3 हासिल लाएगा, यानी 23/20 हो गया। ध्यान से सुनिए, इसको ऊपर वाली संख्या यानी अंश बड़ी है, हर छोटी है, तो इसको भाग देना होगा, तभी आपका आंसर सही आ सकता है। अन्यथा आंसर सही है लेकिन इसको पूरी रूप से हम लोग काट देते तो अच्छी होता है। आराम से काट लीजिए, 20 × 20, फिर यहाँ आ गया 3, घटाने के बाद इधर कट गया, यानी ये हो गया आपका, यहाँ चले जाएगा, ये अंश हो जाएगा, ये पूर्णांक, 1 × 3/20, यानी 1 × 3/20 आंसर हो गया। बच्चों को मैंने आज भिन्न के जोर के बारे में अवगत करा दिया और सारे ट्रिक के साथ, पप्पू ट्रिक के साथ मैंने भिन्न का जोर से अवगत करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।